हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th टीएस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से, 2024 एडिशन, वॉल्यूम 2, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, चैप्टर 8, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 31। Blue Chip Limited was registered on 1st January 2024 with a capital of Rs. 10 lakh divided into 1 lakh shares of Rs. 10 each. The company issued 42,000 shares, of which 40,000 shares were subscribed by public and Rs. 1 per share was received with application. On 1st February 2024, these shares were allotted and Rs. 2 per share was duly received on 28th February 2024. As allotment money. On a first call of Rs. 3 per share was made on 1st March 2024 and the call money on all shares with the exception of 100 shares was received. The final call of Rs. 4 per share was made on 1st June 2024 and the amount due with the exception of 400 shares was received by 30th June 2024. Pass necessary journal and cash book entries and prepare the balance sheet as at 30th June 2024. Solution 31st. हमें cash book बनाना है और 2024 की बात है, so January 1. टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी ने ऑफर किए थे 42,000 शेयर्स और पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है 40,000 शेयर्स। एप्लीकेशन मनी है रुपीज 1, सो 40,000 रुपीज कंपनी को कैश बुक में रिसीव होगा। कैश बुक जब हम बनाते हैं तो बैंक की एंट्री कैश बुक में लिखते हैं, जर्नल में नहीं लिखते हैं। जर्नल में बैंक की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ ट्रांसफर की एंट्री होगी। सो शेयर एप्लीकेशन को हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। कितना रुपीस था? 40,000 रुपीस। Being amount transferred. अब कंपनी ने फरवरी 1 को अलॉटमेंट मनी ड्यू किया तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। इन्हीं 40,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी है रुपीज 2 पर शेयर, सो 80,000 रुपीज ड्यू। Being allotment money due. अब फरवरी 28th को allotment का पैसा रिसीव करेंगे, so two share allotment 80,000 रुपीस पूरा का पूरा हमने रिसीव कर लिया। अब मार्च 1 को फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करना है, so मार्च 1st, सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये मनी है रुपीज 4 पर शेयर, रुपीज 1,20,000 इज ड्यू।
लेकिन फर्स्ट कॉल की मनी का मनी 100 शेयर्स पर रिसीव नहीं हुआ, तो उसके लिए हमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना होगा और मार्च 1 को ही कॉल्स इन एरियर्स। हंड्रेड शेयर्स पर पैसा नहीं मिला तो ये हमें जर्नल में लिखना है, क्योंकि ये पैसा नहीं मिला है तो बैंक की एंट्री तो हो नहीं रही है एरियर्स के लिए। सो 300 रुपीज वी विल नॉट रिसीव टू शेयर फर्स्ट कॉल। बीइंग एरियर्स ऑन 100 शेयर्स, लेकिन बाकी के 39,900 शेयर्स पर तो मिल रहा है, तो वो हम बैंक में कैश बुक में रिसीव करेंगे। कितने शेयर्स पर? 39,900 शेयर्स पर 3 रुपीज के हिसाब से मिलेगा। सो 1,20,000 ड्यू किए थे हमने और उसमें से 300 रुपीज नहीं मिला, तो 1,19,700 रुपीज मिलेगा। जून 1 को हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, सो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरे के पूरे 40,000 पर 4 रुपीज ड्यू करेंगे। 4 रुपीज के हिसाब से रुपीज 1,60,000 इज ड्यू। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब जून 30th को 400 शेयर्स पर हमें पैसे नहीं मिले, तो उसके लिए हम ओपन करेंगे कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 400 शेयर्स पर 4 रुपीज नहीं मिले, मतलब 1,600 रुपीज नहीं मिले। इस 400 में ये पिछला 100 शेयर्स भी शामिल है, मतलब ये वाला तो रिपीट हो रहा है और साथ में 300 शेयर्स पर और पैसे नहीं मिले। बीइंग एरियर्स ऑन 400 शेयर्स। अब बाकी के जो मिले हैं 39,600 शेयर्स पर, वो हम कैश बुक में एंटर करेंगे। यह आएगा 1,58,400। कैसे? 39,600 शेयर्स पर पैसे मिलेंगे 4 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, बस इतना ही है। अब हमें ऐड करके इसे क्लोज कर देना है, तो यहां हम लिखेंगे जून 30th को बाय बैलेंस क्लोज डाउन। दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर, ऐड करिए इसे, अमाउंट आएगा रुपीज 3,98,100। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल के लिए बनाएंगे ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ये हो गया 10 लाख रुपीज, और इसे हमें ब्लॉक कर देना है। नेक्स्ट है इश्यूड कैपिटल 42,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, सो 42,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज रुपीज 4,20,000, इसे भी हम ब्लॉक कर देंगे। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में लिखेंगे 39,600 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, यह आएगा 3,96,000। अब लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में 400 शेयर्स
ऑफ रुपीज 10 ईच इज इक्वल टू रुपीज 4000। इसमें लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स, फाइन। ये कितना है कॉल्स इन एरियर्स? हमारे पास कॉल्स इन एरियर्स है 100 शेयर्स पर था, कितना रुपए था? 3 रुपीज था, तो ये हो गया 300 रुपीज, और 400 शेयर्स पर था 4 रुपीज, ये हो गया 1600 रुपीज। दोनों मिला करके हुआ 1900। सो ये माइनस कर दीजिए और अमाउंट यहां लिखेंगे 2100। अब हम इसे टोटल करेंगे, ये दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे। ऊपर के अमाउंट को ऐड नहीं करना क्योंकि इसे हमने ब्लॉक कर दिया है। ये आएगा रुपीज 3,98,100, और इतना ही अमाउंट बैंक में भी है। हमने कैश बुक बनाया था और इसे भी हमें बैलेंस शीट में शो करना है। देखिए इतना ही अमाउंट बैंक में है, 3,98,100। तो लाइबिलिटीज में भी उतना ही अमाउंट है जितना कि एसेट में है। सो नाउ लेट अस प्रिपेयर द बैलेंस शीट। शेयर होल्डर्स फंड में लिखेंगे शेयर कैपिटल, जिसके लिए हमने नोट वन बनाया है और अमाउंट है 3,98,100। हमें यहाँ सब्सक्राइब्ड कैपिटल को ही शो करना है, ऑथराइज्ड एंड इश्यूड कैपिटल को शो नहीं करना। कोई भी डिटेल वाली बात यहाँ नहीं की जाएगी और सब हमें नोट्स टू अकाउंट में बनाना है। सो ये हुआ लाइबिलिटी साइड का टोटल। अब हम बनाएंगे सेकेंड साइड एसेट्स। हेड है करंट एसेट्स और सब हेड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश बुक में जो हमने बनाया है बैंक कॉलम कैश बुक, उसमें भी टोटल इतना ही है, मतलब इतना ही है हमारे पास कैश इन बैंक। ग्रैंड टोटल करिए 3,98,100। सो जिस इस तरीके से इधर का भी टोटल उतना है। सो दिस इज द कंप्लीट बैलेंस शीट फॉर वॉट एवर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ सारंग लिमिटेड इज 1,20,00,000 रुपीज डिवाइडेड इंटू 12,00,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। आउट ऑफ दीज कंपनी इश्यूड 8,00,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। नाउ प्रीमियम है 20% का, तो 20% ऑफ वॉट? 20% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। द अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज फॉलोज, ऑन एप्लीकेशन रुपीज 2, ऑन अलॉटमेंट रुपीज 6 विच इज इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब 20% हम निकालेंगे 10 रुपीज का तो 2 रुपीज आएगा। सो यहाँ 4 रुपीज कैपिटल का है और 2 रुपीज प्रीमियम का है, तब जाकर के 6 रुपीज हुआ। ऑन फर्स्ट कॉल 2 रुपीज एंड ऑन फाइनल कॉल बैलेंस। बैलेंस मीन्स वॉट? 2 + 4 इट इज 6, 6 + 2 इट इज 8, एंड देयरफॉर बैलेंस इज ऑफ रुपीज 2, तब जाकर के ये 10 रुपीज होगा। 1, 2, 3, 4 चारों को ऐड करेंगे 10 रुपीज होगा। पब्लिक अप्लाइड फॉर 7,80,000 शेयर्स, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। नाउ दिस 7 ऑफर कितना हुआ है? 8,00,000 शेयर्स, और सब्सक्राइब कितना हुआ है? 7,80,000 शेयर्स, मतलब ये 90% से ज्यादा है। सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज अचीव्ड, सो कंपनी आगे अलॉट कर सकती है, बाकी के पैसे मांग सकती है। प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सारंग लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, डिस्क्लोजिंग द अबाव इंफॉर्मेशन। ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द सेम। नोट्स टू अकाउंट्स तो हमेशा हमें बनाना ही होता है, जब भी बैलेंस शीट बनाने बोले तो आप नोट्स टू अकाउंट जरूर बनाइए। सो नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। पहला नोट है शेयर कैपिटल का, ऑथराइज्ड कैपिटल 12,00,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ये हो गया 1,20,00,000, और इसे भी हम ब्लॉक कर देंगे। नेक्स्ट है इश्यूड कैपिटल, 8,00,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, और ये हो गया 80,00,000। इसे भी ब्लॉक कर देंगे। अब आएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल में, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप
780,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, और पूरा का पूरा सब्सक्राइब हुआ, मतलब ये सब्सक्राइब हो गया, पूरा पैसा भी मिल गया, पेड अप है, सो इट इज 78 लाख। सो यही अमाउंट हमें बैलेंस शीट में शो करना है। अब सेकेंड नोट बनाएंगे हम रिजर्व एंड सरप्लस का, जो कि है सिक्योरिटीज प्रीमियम। हमारे पास शेयर्स कितने हैं? 780,000, और इस पर हमने 2 रुपीज पर शेयर मांगा है। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो है ₹15,60,000। सो ये हो गया आपका नोट टू। अब हम बनाएंगे नोट थ्री, क्योंकि हमें बैलेंस शीट शो करना है। फाइन, नोट थ्री बनाएंगे हम। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक आएगा, कितना आएगा? 780,000 शेयर्स हैं, और हर शेयर कितना रुपए दे रहा है? 12 रुपीज दे रहा है, तो ये हो गया 93,60,000। दैट्स ऑल। नाउ वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में हमें शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल के लिए हमने नोट 1 बनाया है, और इसमें है 78 लाख, और नोट 2 बनाया है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का, वो है 15,60,000, और इसका ग्रैंड टोटल है लाइबिलिटी साइड का टोटल, दैट इज 93,60,000। उसी तरीके से एसेट्स में अंडर द हेड करंट एसेट सब हेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में है कैश एट बैंक, जो कि हमने नोट 3 बनाया है, 93,60,000। सो दिस इज हाउ द बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ कंपनी। इट इज अ वर्टिकल बैलेंस शीट। सो मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है, आपने वीडियो को अच्छे से देखा और सुना है। अगर आपको कुछ डाउट है देन प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, और साथ में ये भी बताइए कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसा लगता है। प्लीज रिकमेंड दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे से पढ़ाई कर सकें और जीवन में आगे बढ़ें। अगर आप CUET और CPT की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।